बेटा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं माँ, मैं बोर हो रही हूँ। बोर हो रही हो तो ये लो स्टोरी बुक, मेरा काम निपटने तक इसे तुम पढ़ लो, उसके बाद हम दोनों मिलके स्टोरियाँ पढ़ेंगे। ओके माँ। बेटा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं माँ, मैं बोर हो रही हूँ। बोर हो रही हो तो ये लो मेरा मोबाइल फोन, मेरा काम निपटने तक तुम इसे देख लेना, उसके बाद मैं देखूंगी। चाकर शिवबाच होणार आम्ही गड्या डोंगरचं
शुभाच होणार. ओ संताजी धनाजी रणत दिसता शत्रु पळे प्रतिबिंब पाहता. संताजी धनाजी रणत दिसता शत्रु पळे प्रतिबिंब पाहता. कोण नाही पाणीच पिणार पति
डाली है। समृद्धि और सौंदर्यता से आकर्षित होकर भारत को पाने की महत्वाकांक्षा रखते थे, क्योंकि सबसे समृद्ध देशों में से एक था हमारा भारत।
होती ही मेरे देश की धरती। सबको
कुछ रगा हड़प ले। बहाने बना बना रे भैया जंगल बना बना। एक नहीं इस बार अनेकों राम आए और समुंदर से आए रावण को मार भगाए। जब सारे रावण मारे जाए तभी मनाओ दिवाली। इसको आई बात समझ में। बिंदा बाबा एक बार बिंदा बाबा नहीं ये तमाशा वाला नाटक नाटक नहीं था। नाटक नाटक नहीं था। हाँ लल्ला ये कौनो नाटक नहीं था। सोने दे सुबह 4 बजे उठ के अभ्यास के लिए परेड मैदान जाना है। सोने दे लल्ला हमका कहा ऐसा लग रहा है नाटक में कौन संदेश छिपा है। हाँ और हमको भी तेरी बात सुन के हमको भी एक संदेश मिल रहा है। हमको लग रहा है कि तेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले तुझे दवा दिलाऊंगा उसके बाद कौन और काम करेंगे। सो जा और हमको भी सोने दे। सो जा। देखिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। निश्चिंत रहिए और मुझ पर भरोसा रखिए। मैं आप में से एक हूं। मेरी तरफ से आपको कोई नुकसानी कोई परेशानी नहीं होगी। वो क्या संदेश है जो आप देना चाहते हैं बोलिए। बहुत बड़े विद्रोह का संदेश। हमारे जैसे और भी यहाँ कई लोग हैं जो इस संदेश को अलग अलग जगह तक पहुंचाने में लगे हैं। विद्रोह के पेशवा महाराज नाना साहेब दुदुपंत और सम्राट बहादुर शाह जफर भारत में जन विद्रोह का आयोजन कर रहे हैं। इस विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई और पेशवा महाराज नाना साहेब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अरे इन अंग्रेजों ने तो पेशवा महाराज की पेंशन पर ही रोक लगा दी है और तो और हिंदुस्तान सम्राट बहादुर शाह जफर उनके सारे अधिकार छीन लिए। सीधे शब्दों में कहा जाए तो पूरा हिंदुस्तान इन गोरों के जुल्म से परेशान है और उन्हें उत्तर देने के लिए व्याकुल भी। हमारे देश में इतना कुछ हो रहा है और हमें कुछ पता नहीं। इन गोरों के अत्याचारों के बारे में सुनकर तो आपका भी खून खौल उठेगा। इन्होंने केवल राजाओं और महाराजाओं का ही नहीं बल्कि किसानों शिल्पकारों बुनकरों सबका जीवन बर्बाद कर दिया है। उन पर मनमाना कर लगाया गया है और कर का भुगतान नहीं करने पर उनकी जमीनें भी छीन ली है और मार मार कर उनकी चमड़ी भी उधेड़ ली है। अरे बुनकरों के तो अंगूठे भी काटे गए साहेब। अमीर हो गरीब हो फर्क नहीं पड़ता सभी भुगत रहे हैं। अरे ऐसी जान का क्या करोगे हरिहर जिससे धूर्त विदेशियों की उंगली पर नाचना पड़े। इससे अच्छा तो देश के मान के लिए जान लुटा देना होगा। कम से कम मरते वक्त खुद पर शर्म तो नहीं आएगी। हम अंग्रेजी सैनिक बनकर इनकी रखवाली करते रहे और ये कोड़े हमारे ही घरों में आग लगाते रहे। बस यही संदेश हम पूरे हिंदुस्तान में फैलाना चाहते हैं। नाटककारों से हुई इस बातचीत ने मंगल पांडे को अत्यधिक प्रभावित किया। बातचीत के दौरान उन्हें अपने साथी भारतीयों की दुर्दशा के बारे में पता चला और उनका हृदय विचलित हो उठा। उन्हें लगा कि कंपनी की सेना में शामिल होने के कारण वे बाहरी दुनिया में हो रही घटनाओं से पूरी तरह अवगत नहीं हो पा रहे हैं और इस बात का उन्हें बेहद दुख था। परंतु अब सब कुछ बदलने वाला था।
बिंदा बाबा की भविष्यवाणी सच होने वाली थी और मंगल पांडे को उनके जीवन का लक्ष्य मिल चुका था। माता दिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक जरूरी काम था इसलिए चले आए यहाँ। क्या बात है, हमने सुना है कि अंग्रेजों के वहाँ साफ सफाई का काम करने लगे हो तुम। नहीं नहीं नहीं, वो तो हमारी बीवी करती है, हम तो बस चले जाते हैं ऐसे ही उसकी मदद करने के लिए। क्या बात है, इतना हाफ खा रहे हो? वो इतना दूर से चलकर आ रहे हैं ना, थक गए और गला भी सूख गया है। मंगल भैया तनिक पनिया पिलाए दो। अरे ये पानी तुमका नहीं पिला सकते, शिवलिंग पर चढ़ाने जा रहे हो, झूठा पानी चढ़ेंगे का? यहाँ पास में नदी है, वहाँ जाके पी लो, जाओ। अरे मंगल भैया, आप जो नदी से जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ावत हो ना, वो नदी का पानी कितना लोग पीता है, तो वो पानी झूठा नहीं होता का? अरे मंगल भैया, आप जिन शिव जी को पूजने जा रहे हो ना, वो तो कबो छुआछूत नहीं माने, तो आप का ये छुआछूत मानते हैं? हाँ तुमका बड़ा ज्ञान है, शिव जी कहाँ मानते थे और कहाँ नहीं मानते थे। हम तो मूर्ख है भैया, आते जाते कहीं कनप्पा की कहानी सुन लिए थे, तब जाके पता चला कि भोलेनाथ उसकी भक्ति देखे थे, जाति नहीं। हम बोलो भगवान नहीं और हम अपना धर्म कभी भ्रष्ट नहीं करेंगे। धर्म तो भ्रष्ट हो गया भैया, और होगा सिर्फ आपका नहीं, आपके बाकी साथी लोगों का भी। काबड़ बड़ा रहे हो, एक डंडा खाओगे सारे होश ठिकाना आ जाएंगे तुम्हारे। तो होश में है भैया, पर हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। काहे कि अब सबका जात एक ही होने वाला है, गाय और सुअर की चर्बी से बना कारतूस सब अपने मुंह से चबाएंगे तो एक ही जात के हो जाएंगे। सुबह सुबह कौन भांग पी रखी है तुमने, रात को कौन सपना देखा था का? सपना नहीं देखे भैया, तमाशा देखे है, तमाशा अपनी जागती आंखों से हथियार बनाने वाले कारखाने में। मंगल पांडे सर, सर हमने सुना है कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है, आप अच्छे से जानते हैं कि इसका इस्तेमाल करना हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों की धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध है, क्या आप हमें बता सकते हैं ये सच है कि नहीं? ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है जिसके आंसर के लिए तुम लोग यहां तक पहुंच गए, वो भी संडे को। इसके बारे में कल भी बात कर सकते हैं। आज क्यों नहीं? आपको जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना है, इसके लिए आपको एक दिन का समय क्यों चाहिए? ये हमारे धर्म और आस्था का प्रश्न है, आपको अभी जवाब देना होगा। As I said, we will talk about it tomorrow in the office. Okay. इसमें किसी भी तरह का एनिमल फैट नहीं यूज किया गया है। जय भोलेनाथ, 108 बेलपत्ता चढ़ाए थे भोलेनाथ पर और ये बोले थे कि ये जो चर्बी वाली जो बात है बस यही झूठ निकले। मैंने भी मन्नत मांगी थी, मुझे भी चादर चढ़ानी है दरगाह में। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि गोरा झूठ बोल रहा है? अगर इनमें और माता दिन में चुनना हो तो हम माता दिन की बात पर विश्वास करेंगे। लैंस नाइक शेख पालतू, जाके पता करो कि ये एनिमल फैक्ट का फॉल्स इंफॉर्मेशन किसने स्प्रेड किया है। जी सर। भैया,
दमदम वाला कारखाना में ये सब चल रहा है। आम झूठ नहीं बो से पता है तुम झूठ नहीं कह रहे हो। बहुत हो गया, इन अंग्रेजों को इनके कुकर्मों की सजा देने का समय आ गया है, नहीं छोड़ेंगे इन्हें। रुकना होगा मंगल, बिठूर के नाना साहेब द्वारा नियोजित विद्रोह तक हमें रुकना होगा और तब तक हम किसी भी तरह से उन्हें कारतूस का उपयोग करने के लिए मना करते रहेंगे। मंगल सही कह रहे हैं, चर्चा करने का नहीं है बल्कि हमारी मातृभूमि पर लगी हुई बेड़ियों को तोड़ने का है। उठाओ अपने हथियार और दुश्मनों का नाश कराओ। अरे नहीं चाहिए ऐसा जीवन जिस पर कायरता का कलंक लगा हो, जिस बाटी ने जन्म दिया उस पर मर मिटने वाला हर भाग्यशाली होता है और हम भी उस भाग्यशाली सपूत की तरह मर मिटेंगे जिसकी लहू की हर बूंद से स्वराज की कहानी लिखी जाएगी। मुकदमा चलाया गया जहां अधिकांश न्यायाधीश वकील और यहां तक कि गवाह भी ब्रिटिश थे। उन्होंने मंगल पांडे को अपना पक्ष रखने के लिए ना तो उचित समय दिया और ना ही घायल मंगल पांडे के ठीक होने की प्रतीक्षा की। मंगल पांडे के विरुद्ध मामला दर्ज कर दिया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। कार्रवाई से क्रांति की आग बुझ जाएगी परंतु परिणाम उनकी सोच से ठीक विपरीत हुआ। लोगों में आजादी पाने की ललक और बढ़ गई और हिंदुस्तान के हर कोने में क्रांति की आग भड़कने लगी। जागी जागी है धरती सारी और जागा जागा
सबसे खूनी क्रांति। अंग्रेजों ने इसे सिर्फ क्रांतिकारियों के साथ मिलकर कंपनी के खिलाफ लड़ा। ये क्रांति आखिर एक साल बाद दबा दी गई, लेकिन इस क्रांति ने कंपनी को तबाह कर दिया और रानी विक्टोरिया की ब्रिटिश सरकार को हिंदुस्तान की राज्य व्यवस्था अपने हाथों में लेनी पड़ी। मंगल पांडे आजादी का प्रतीक बन गया। स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद बनकर उसने आने वाली पीढ़ियों को आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। तुमने जो किया अच्छा किया, हमेशा की तरह खर्च। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अगर कोई गलती करता है उसे उस गलती को समझने और सुधारने का मौका मिलना चाहिए। पापा ने चाहा तो अंग्रेजों ने जो यहां गलती की है उसे वहां लंदन में रानी के द्वारा सही किया जाएगा। आनी मेरे पास एक अंग्रेजी वकील है जॉन लैंग, जो लंदन की अदालत में झांसी के अवैध अधिग्रहण के खिलाफ मुकदमा दायर करेगा। हो सकता है कि हमें न्याय मिल जाए। ये आप कह रहे हैं बाबा, अंग्रेजों से न्याय की उम्मीद करते हैं आप? ये फिरंगी तो सिर्फ अन्याय करने के लिए बने हैं, और आप ही ने तो हमें सिखाया है अन्याय के खिलाफ लड़ना, इसलिए हम लड़ेंगे। धैर्य रखो मनु। धैर्य क्यों बाबा, और कैसे रखे धैर्य? अगर आज हम धैर्य रखेंगे तो इतिहास हमें कायर कहेगा। महारानी आप ये बात भूल रही हैं कि आपके बाबा मोरोपन तांबे जी की हर बात बहुत गहरी होती है। यदि ये कुछ कह रहे हैं तो उसके पीछे अवश्य ही कोई बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है। काय बाबा? तुमसे कोई मिलने आया है, वही समझाएंगे तुम्हें पूरी बात। और वैसे भी हमसे ज्यादा तुम उनकी सुनती आई हो बचपन से। ताते गुरु जी, जी को यह सलाह मैंने ही दी है कि अंग्रेजों के खिलाफ हम ऐसी चाल चलें जिसकी उनको भनक तक ना हो। देखो मनु, तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार करो जैसे कि वो हमारे मित्र हो, और मित्रता की आड़ में शत्रुता निभाओ जैसा कि आज तक वो हमारे साथ करते आए हैं। सच कह रहे हैं आप, हमारे साथ भी तो वो धोखा ही करते आए हैं। इसीलिए तो पेशवा नाना साहब ने उनके खिलाफ बहुत बड़ी योजना बनाई है। देखना, बहुत जल्द पूरा हिंदुस्तान क्रांति की मशाल लिए हुए खड़ा होगा। सच नाते गुरु जी। और जब तक मैं तुम्हें कोई संकेत ना दूं, कोई कदम नहीं उठाना और अपनी तैयारी पूरी सतर्क होकर करना। और याद रखना मनु, अंग्रेजों को लगना चाहिए कि तुम उनसे डर गई हो, और उनका हर फैसला तुम्हें मंजूर है। मैं जानता हूं ये कठिन है, लेकिन कठिनाइयों से लड़ना मेरी मनु की पुरानी आदत है। कैप्टन स्कीन, आप सही थे। हमारे पास अंग्रेजों से लड़ने की शक्ति नहीं है, इसलिए हम आपका पेंशन स्वीकार रहे हैं। और साथ ही लंदन की अदालत में हमने अर्जी दी है, हमें भरोसा है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। Very prudent, Your Highness. Are you palace? और ये महल भी हम आज ही छोड़कर जा रहे हैं। महारानी, हमें आप पर और आपके निर्णय
जाने पर गर्व है। रानी लक्ष्मीबाई ने अपना महल छोड़ दिया और इससे झांसी की प्रजा में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश बढ़ा, परंतु रानी लक्ष्मीबाई उस अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी जिसमें वो ब्रिटिश साम्राज्य को मुंह तोड़ जवाब दे पाए। आखिरकार सन 1857 की क्रांति के दौरान उन्हें वो अवसर मिल गया। रानी लक्ष्मीबाई जानती थी कि अंग्रेजों का सामना करने के लिए सबसे पहले उन्हें एक प्रशिक्षित सेना की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने एक विशिष्ट योजना बनाई। वो दिन दूर नहीं जब देश में तूफान उठेगा और अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना होगा। आज उन्होंने हमारी झांसी पर कब्जा किया है, पर कल झांसी हमारी फिर से होगी और उसके लिए हमें लड़ना होगा ताकि आने वाली पीढ़ी हम पर नाश कर सके और आजादी की हवा में सांस ले सके। ये युद्ध आसान नहीं है, पर आसानी से इतिहास कहाँ रचा जाता है। जिन्हें लगता है कि औरतों के हाथों में कंगन छोपते हैं उन्हें तलवार बजा कर दिखाओ। जिन्हें लगता है हम सिर्फ लोरियां सुना सकते हैं उन्हें हुंकार सुनाकर बताओ, देवी दुर्गा का रूप है हम, इसलिए इस नारी सेना का नाम दुर्गा दल होगा और इस दुर्गा दल का कमान संभालेंगी झलकारी देवी।
Oh,